तुम्हें क्या जरूरत थी नाश्ता लेकर आने की? मुंह छुपाकर अपना अंदर नहीं बैठ सकती हो क्या? तुम्हारी वजह से ये नाश्ता किए बगैर चले गए। दफा जाओ यहां से। इस पिछल पैरी से पता नहीं जी कब जान छूटेगी। अरे तू क्यों चीते की तरह मेरे सर पे चक्कर लगाए चली जा रही? चक्कर आ गया मुझे तुझे देख देख के। बात सुन, ये तो बता मामू भांजी में आकर तय क्या पाया, क्या बातें हुई, कुछ मुझे भी तो पता चले। अम्मा उस कमबख्त तन्नू की वजह से उन्होंने नौरीन का कॉलेज जाना भी बंद करा दिया। रात को मुझे यही कह रहे थे। मेरी बच्ची के पीछे कोई लठ लेके पड़ गया? अपनी भांजी को रोके ना मनहूस को कॉलेज जाने से, मेरी बच्ची को क्यों रोक रहा है? अम्मा और तो और वो नौरीन की शादी भी कराना चाह रहे हैं, रिश्ता ढूंढ लिया उन्होंने, कह रहे थे चंद दिनों में लड़के वाले देखने आएंगे नौरीन को। इनका दिमाग तो नहीं पगला गया? इतनी सी उम्र है मेरी बच्ची की, पीछे पड़ गया उसके शादी शादी शादी। नहीं अम्मा, वो कमबख्त जुनेद मारा है ना उसकी वजह से, उसको दिल पर लेके बैठ गए, रात दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं और ऊपर से ये तन्नू ने चांद चढ़ा दिया। अब अम्मा बंदे के दिल में शक तो आएगा ना। मेरे पास है उस मनहूस भांजी, मेरा तो नाम लेने को दिल नहीं चाहता उसका। उससे पहले हमारी बच्ची की शादी हो रही है, नहीं तो यकीन कर मतीन जितनी जमा पूंजी है ना ढक से अपनी भांजी की शादी पे उड़ा देता। अम्मा इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। देख ले बार ये। अम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं कॉलेज जाने की, तेरे अब्बा ने सख्ती से मना किया। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे अब्बा ने मना किया, अब तुम दोनों कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन अम्मी क्यों, और अब्बा मेरा कॉलेज जाना बंद क्यों कर रहे हैं? वैसे भी इम्तिहान सर पर है। देख मैं कुछ नहीं जानती, ये तेरे बाप का फैसला है, उन्होंने सख्ती से मना किया कॉलेज जाने से। रहेगी बात इम्तिहानों की, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता निकला है? अच्छा ठीक है, मुझे आप आज कॉलेज जाने थे, मुझे फायदा से नोट्स लेने हैं और उससे कुछ काम भी है। देख नौरीन अगर तेरे अब्बा को पता चल गया ना तो मेरी बेइज्जती होगी फिर। नहीं पता चलेगा, मैं उनके आने से पहले वापस आ जाऊंगी। ए रिहाना तू मतीन क्यों बन रही, छोड़ दे बच्ची का पीछे, जाने जा मेरी बच्ची, तू जा जा, बाप के आने से पहले आ जाए वो शेर की तरह आके धाड़ेगा, जा शाबाश। शुक्रिया नानी, जा जा जा, अल्लाह हाफिज। ये तो मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? किसने कहा कि मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रही हूँ? ये सब क्या है, ना तो मेरा फोन उठाती हो ना ही मेरे मैसेज का कोई जवाब देती। अभी भी कितनी बार बुलाने के बाद तुम मुझसे मिलने आए, आखिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा चल क्या रहा है? मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, अलबत्ता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्या मतलब, साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रही हो? देखो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुमसे मोहब्बत के दावे मैंने कभी नहीं किए। ये तो तुम थे जो खुद ही अपनी मोहब्बत का दम भरते रहते थे और फिर खुद ही शादी का सोच लिया। तुम्हारी वजह से मेरे घर में कितना मसला हो चुका है, अंदाजा है तुम्हें इस बात का? इसलिए प्लीज मुझे बेवक्त फोन या मैसेज करके परेशान मत किया करो, मैं तुमसे यही बात करने आई हूँ आज। अच्छा अगर ये बात है तो अपना दिमाग कान और आंख खोल के सुनो, कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। छोड़ो मुझे, क्या जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हो? चुने, हाँ चुने मेरा उजड़ जाहिल जंगली, मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें इतना सर चढ़ाया। अच्छा तो अब मैं तुम्हें उजड़ जाहिल और जंगली नजर आने लगूं? इस बेवफाई की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी नौरीन, ये याद रखो। मैं किसी भी तरह अपने अब्बा को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूंगा और अगर तुमने इनकार किया तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद हो। जुनैद वो लड़का नहीं है जो किसी भी लड़की के हाथ आसानी से बेवकूफ बन जाए, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी, इससे आगे सोचना भी मत।
माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है आप। माशाल्लाह। और हमारा आतिर भी किसी से कम नहीं है, आप देखेंगे ना उसे तो दीवानी हो जाएंगे। आतिर इधर आओ, ये है मेरी फ्रेंड फरखंदा और ये है इनकी बेटी आनिया। और मुझे तो तुम जानते ही होगे। जी जी आंटी, ये भी पूछने की बात है। अस्सलाम। हाय। आतिर कहाँ जा रहे हो? Why don't you join us? वैसे भी आनिया हम लोगों की कंपनी में बोर हो रही है, तुम थोड़ी देर बैठो, कंपनी दो, बातचीत करो। मैं इन्हें जरूर कंपनी देता लेकिन अभी आई एम रियली टायर्ड, अभी तो आराम करूंगा, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। चाय। खान मोमानी के साथ मार्केट गई। आप नाराज हैं मुझसे मोमजान? आपकी नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, आपकी ये नफरत भरी नजरें, ये खामोशी मुझे अंदर ही अंदर मार देगी। अगर तुम्हें इस बात का एहसास होता तो तुम ऐसा करती ही ना। तुमने मेरा भरम, मेरा मान सब कुछ तोड़ दिया। मामूशान मेरा यकीन करे, मैंने सब कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानती कि वो लड़का कौन है, क्यों क्यों मेरे रास्ते में आके रुक जाता है। मैं सच कह रही मामूजान, वो लड़का मुझे तंग कर रहा था, घर छोड़ने के लिए कह रहा था लेकिन मैंने मना कर दिया, मैं उसके साथ घर नहीं आई थी, खुद पैदल चल के आई थी इसलिए इतनी देर लगी थी। आप एक बार अपनी तन्नो की आंखों में देखें, आपको सच्चाई नजर आएगी। मामूजान ने कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे आपकी इज्जत पे हर पाए आपका मान टूटे। मैंने तो उसने खुदा का वास्ता दिया था। बस जाओ, अभी यहां से चले जाओ। What was that, Arthur? What? ये इतना रूड बिहेवियर ये क्या था? मामा, आप बिला वजह नाराज हो रही हैं। तुमने मुझे मेरे गेस्ट के सामने लेट डाउन किया है। मामा आपको गलत फहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे गलत फहमी हो रही? अरे मैंने तुमसे कहा कि वहां आकर बैठो, मेरे फ्रेंड्स के साथ तुम एक्सक्यूज मी करके चले आए, वो क्या सोचती होंगी मेरे बारे में? मैं नहीं बैठना चाहता था वहां मामा, और आप क्यों चाहती है मैं वहां बैठूं उन लोगों के साथ जिन्हें मैं जानता तक नहीं? क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम आनिया से मिलो। एक मिनट मामा, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं मुझे कुछ वक्त चाहिए, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओह माय गॉड, दिस बॉय, यू मेक मी क्रेजी। Thank you.
बता दे तो नो, कौन था वो? सुना ये लंबी गाड़ी ड्राइवर होगा किसी का, मालिक गाड़ी चुरा के लाया हुआ घूमने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। नानी मुझे कुछ काम करना है, मैं जा रही हूँ। आ इतनी रात को कौन से काम याद आ गए? ढंग से पैर दबा, जान नहीं है तेरे हाथों में? चार वक्त का खाना ठूस ठूस के खाती है, जब काम कह दो तो सारी नजाकतें जाग जाती हैं। बात सुन तन्नो, तूने जो चांद चढ़ाना था ना चढ़ा दिया, ये देख मेरे हाथ, खुदा के बाद मेरी मासूम नौरीन को अपने रास्ते पे ना चला। बात सुन ले, भांजी के करतूत तो मतीन बर्दाश्त कर गया, अगर तेरी जगह उसकी बेटी होती ना, उसका गला दबा के सलाखों के पीछे चला गया होता मतीन। अरे जान लगा के दबा, तब से भांजी से कोई फायदा नहीं, तुम सोचो में रहती है। कुछ कहना चाह रहे हो? जी तू कह दो भाई, सोच कह रहे हो? बाबा वो एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं। होता है इस उम्र में अक्सर लड़कों को मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ लड़कियां पसंद आ जाती हैं। नहीं बाबा, मैं सच में उसे पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग उसके घर रिश्ता लेके जाए मेरा। ओहो, मामला काफी सीरियस है। कौन लड़की, खानदान क्या है, कहाँ रहती है? अपनी माँ को जानते हो ना, वो इन मामलात में बहुत पर्टिकुलर। बाबा वो सब कुछ तो मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और वो बहुत अच्छी लड़की है। आई एम श्योर आप लोगों की भी बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हारी पसंद है तो यकीनन अच्छी होगी, हमें भी अच्छी लगेगी, लेकिन है कौन? बाबा मैं ज्यादा तो उसके बारे में नहीं जानता, मुझे तो उसका नाम भी नहीं मालूम। तुम्हें उसका नाम भी नहीं मालूम और चाहते हो कि हम रिश्ता लेके वहां जाएं? अपनी माँ को नहीं जानते तो? इसीलिए तो आपके पास आया हूँ, ताकि आप बात करें उनसे। लेकिन मुझे उसके घर का पता है, मैंने एक बार उसे चेज किया था। बड़ी मालूमात है। चलो इतना तो पता है ना कि उसका घर कहाँ है, तो कहाँ रहती है वो? डिफेंस में या किसी पॉश एरिया में नहीं रहती, बल्कि एक आम से इलाके में, आम से घर में रहती है, क्योंकि वो एक आम सी लड़की है। एक आम सी लड़की है। मेरा ख्याल है तुम्हारी माँ मान जाएगी एक आम सी लड़की के साथ शादी करने के लिए? बाबा इसीलिए तो आपके पास आया हूँ, ताकि आप उनसे बात करें। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, शादी भी उसी से करूंगा। नहीं मानेंगे बाबा, प्लीज। ओके, लेट अस ट्राई योर लक, कोशिश करके देखते हैं, लेकिन उम्मीद कम है। थैंक यू बाबा।
थैंक यू। सारी रात मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तुमने ठीक कहा था, मुझे तुम पे शक करने के बजाय वहीं रुककर उस लड़के से पूछना चाहिए था जो तुम्हें तंग कर रहा था। लेकिन रियाना की बातों में आकर मैंने तुम पर शक किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मामूजान ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत आपकी शफ़क़त चाहिए, अपने सर पे आपका साया आपकी दुआएं चाहिए। मेरी दुआएं तो तुम्हारे बगैर मुकम्मल ही नहीं होती बेटा। हाँ बस मैंने तुम्हारा कॉलेज जाना बंद कर दिया। आप परेशान ना हो मामू जान, मैं भी अब कॉलेज नहीं जाना चाहती, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं प्राइवेटली तो पढ़ सकती हूँ ना? तुम्हारा जितना जी चाहे तुम पढ़ो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। See you.